तो देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिसके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। भगवती का ये वो स्वरूप है जिनके आराधना से आपको भय मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की उपासना और माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। माता चंद्रघंटा का जो चोला है वह नारंगी रंग का है, केसरी रंग का है, और ये सब अर्पित करने के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद माता के विशेष मंत्र या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इस पे माता प्रसन्न होती हैं इस मंत्र के जप करने से। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः पिंडज प्रव्रारूढ़ चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता के स्वरूप की आराधना करिए, लेकिन अगर आप इन मंत्रों को नहीं जपना चाहते तो आप जप सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं, नवार्ड मंत्र है। इसके अलावा अगर कोई मंत्र आप चाहते हैं जपना तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन माता चंद्रघंटा का जो विशेष मंत्र है वह यही है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी चंद्रघंटा की उपासना से मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखें तो देवी के स्वरूप की उपासना बेहद आपके लिए फलदायी साबित होगी। तो नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, माँ प्रसन्न होंगी और आपको छुपा लेंगी ममता के आंचल में। तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेते हैं इजाजत।